हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ग्लोबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का यानी यूनिट 6 ऑप्टिक्स का जो है ये 26 नंबर का वीडियो यानी पार्ट 26 है। इसमें जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इससे पहले जो था यानी 25वां पार्ट में जो है वो था सिंपल माइक्रोस्कोप। तो जब सिंपल माइक्रोस्कोप को पढ़ रहे थे तो उसमें एक नया टॉपिक आया था मैग्नीफाइंग पावर, इसलिए और विजुअल एंगल के बारे में भी समझाए थे। इसलिए यदि आप अगर इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अगर उसको नहीं देख के इसको डायरेक्ट देखते हैं तो कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप पहले उस वीडियो को देखिए तब उसके बाद इसको देखिएगा। तो इसमें जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? तो जिस तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप में देखे केवल एक उत्तल लेंस लगा होता था, इसमें जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो उत्तल लेंस लगा होता है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि क्या होता है और इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या निकलेगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, वह सूक्ष्मदर्शी जिसमें दो उत्तल लेंस को एक ही अक्ष पर रखकर बनाया जाता है और जिसका उपयोग वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो उसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब दो उत्तल लेंस को एक ही अक्ष पर रखकर बनाएंगे और उसका जो प्रयोग होगा छोटा छोटा वस्तु को बड़ा करके देखेंगे तो उसको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहेंगे। अब इसका फिगर की बात करते, देखिए ये फिगर हुआ, ये आपको इधर वस्तु है, ये मान लेते ए बी, ये ए बी वस्तु है। तो वस्तु है तो ये जी वस्तु की ओर जो लेंस होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंस, ऑब्जेक्ट OBJECT ऑब्जेक्ट लेंस, यानी वस्तु लेंस या अभिदृश्यक लेंस भी इसको हिंदी में बोल सकते हैं। और जो आँख के तरफ होता है उसको आई लेंस यानी EYE लेंस यानी नेत्रिका लेंस कहते हैं। तो वस्तु की ओर जो है लेंस, मान लेते हैं पैर ऑब्जेक्ट लेंस से वस्तु कुछ दूरी पर रखा है ए बी, तो वस्तु की दूरी को जो है यू ओ लेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट लेंस से वस्तु की दूरी है। उसके बाद इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है यानी कि ये ए बी वस्तु जो है इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है जहाँ पहले बार कटा, ये यहाँ आके दोनों किरण कटा है, तो कटा है तो ये आपका प्रतिबिंब हो गया ऑब्जेक्ट लेंस के लिए। तो ऑब्जेक्ट लेंस के लिए प्रतिबिंब हुआ तो इसको हम लिखेंगे वी ओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी ऑब्जेक्ट लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है। अब आई लेंस की बात करते हैं, तो आई लेंस के लिए ये आपका वस्तु का काम करेगा आई लेंस के लिए, चूँकि इसका प्रतिबिंब फिर इसके द्वारा बनेगा, तो इसलिए ये जो है प्रतिबिंब पहला लेंस से जो बना है वो दूसरा लेंस यानी आई लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, तो इसलिए ये होगा यू और उसके बाद आई लेंस की तरफ है तो इसलिए ई लेंगे यू ई यानी वस्तु की दूरी नेत्रिका लेंस से, और वी यू ओ जो लिखे हैं वस्तु की दूरी ऑब्जेक्ट लेंस से है ये। अब ये जो देख रहे हैं ए डैस बी डैस, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बन रहा है आपको यहाँ, तो यहाँ बन रहा है तो इसको मान लेते हैं ए डैस ए डबल डैस, चूँकि ए डैस लिए हैं और ए इसको ले लेते हैं बी डबल डैस। अब ये किरण यहाँ जो कटा था इसको जब आगे इस तरह से बनाए तो यहाँ दूसरा लेंस रखा हुआ था, तो दूसरा लेंस रखा हुआ था तो वो कुछ इस तरह से इधर किरण मुड़ा तो यहाँ से उसको हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब को जो इसके द्वारा बनेगा। तो ये आँख हो गया आपको आई हो गया। अब इसको जब पीछे बढ़ाए तो ये दोनों आके यहाँ कट गया, तो ये कहीं भी कट सकता है, इधर भी आके कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मान लीजिए कि यहाँ कट गया, तो यहाँ कट गया तो यहाँ इस यानी आई लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है ये, तो ए डबल डैश बी डबल डैश इसको मान लिए। अब आई लेंस के द्वारा ये प्रतिबिंब बन रहा है तो इसलिए इसको हम लोग प्रतिबिंब की दूरी है तो भी आई लेंस के द्वारा बन रहा है तो भी ई ले लिए इसको। अब यहाँ अल्फा बीटा नहीं लिए हैं, विजुअल एंगल नहीं लिए हैं, इसलिए पहले आप उस वीडियो को देखिए और वहाँ समझिए विजुअल एंगल और आवर्धन क्षमता क्या होता है, उसके बाद इस ये अच्छा से समझ में आएगा। हम केवल जो ज़रूरत का चीज़ है वो हम लिख दिए फटाफट, एक बार और देख लीजिए। ये ऑब्जेक्ट लेंस से वस्तु की दूरी है तो यू ओ लिए यानी ऑब्जेक्ट लेंस से वस्तु की दूरी। उसके बाद इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बन रहा है ए डैश बी डैश, तो पहला लेंस ऑब्जेक्ट लेंस के द्वारा बन रहा है तो इसलिए इसका दूरी जो होगा भी प्रतिबिंब की दूरी हुआ तो भी ओ लिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेंस से जो है प्रतिबिंब की दूरी हो गया। दूसरा आई लेंस की बात करते तो आई लेंस के लिए ये बनेगा वस्तु तो इसलिए यू ई हो गया इस, और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आपको बन रहा है ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश जो कि आई लेंस के द्वारा बन रहा है तो इसलिए इसका जो दूरी हो गया भी ई हो गया। तो ये आपका हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फिगर। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो है ये वस्तु लेंस छोटा लिया जाता है आई लेंस से। अब ऐसा क्यों लिया जाता है, इसका भी वजह होता है और वो वजह को हम लोग जब रीजनिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे इस अध्याय को समाप्त करने के बाद तो वहाँ क्लियर कर देंगे। वहाँ एक क्वेश्चन बनाएंगे इस तरह का कि सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु लेंस को छोटा क्यों लिया जाता है, तो इसका भी वजह होता है तो वहाँ देख लेंगे, तो अभी उतना नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते इसके बाद। अब अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट लेंस की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट लेंस की, तो ऑब्जेक्ट लेंस की करेंगे तो फोर ऑब्जेक्ट लेंस, तो ऑब्जेक्ट लेंस के लिए चलेंगे तो याद कीजिए एम, तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट की बात हो रहा है तो एम ओ लिख लेते हैं यानी ऑब्जेक्ट लेंस की आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता जैसे वी बटे यू निकला था तो यहाँ लिख देंगे वी ओ बटे यू ओ लिखेंगे जो कि ऑब्जेक्ट लेंस की बात हो रहा है। उसी तरह मान लीजिए अगर हम आई लेंस की बात करते हैं फोर ई वाई ई आई यानी नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस की बात करते तो हो जाएगा एम ई यानी आई लेंस की मैग्नीफाइंग पावर आवर्धन क्षमता हो जाएगा भी ई बटे यू ई। इतना चीज़ हम लिख लिए चूँकि इसको हम इससे पहले वाले वीडियो में किए हैं कैसे हुआ, तो यहाँ हम डायरेक्टे इस चीज़ को लिख दिए, इसलिए बार बार बोलते हैं कि पहले आप उसको जाके देखिए उसके बाद इसको देखिएगा। तो ऑब्जेक्ट के लेंस के लिए और आई लेंस के लिए दोनों के लिए हम लिख लिए मैग्नीफाइंग पावर, चूँकि अलग अलग मैग्नीफाइंग अलग अलग लेंस का अलग अलग मैग्नीफाइंग पावर होगा तो दोनों का हम लिख लिए। अब दो जो कंडीशन आता है लिस्ट डिस्टेंस और इन्फिनाइट डिस्टेंस, लिस्ट डिस्टेंस और इन्फिनाइट डिस्टेंस जो आता है उसको देखते हैं क्या होगा। तो पहले देखते हैं लिस्ट डिस्टेंस, ए नंबर फोर लिस्ट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब के न्यूनतम दूरी के लिए, इससे पहले वाला मैं हिंदी लिखे तो उसको देख लीजिएगा, हिंदी कोई खास नहीं है, प्रतिबिंब की न्यूनतम दूरी के लिए देख रहे हैं तो न्यूनतम दूरी के लिए। तो हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना है कि जिस तरह से इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्व किए सब कुछ वही रहेगा, अंतर बस थोड़ा सा आ जाएगा कि यहाँ दो उत्तल लेंस लगा है। तो देखते हैं, तो बाय लेंस फॉर्मूला चलते वहाँ तो यहाँ भी लेते हैं बाय लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला से चलेंगे तो होता है, चूँकि ये देखिए यहाँ जो आप सवाल है दो गो लेंस है तो दो गो लेंस है तो किसका यूज करें, ऑब्जेक्ट लेंस की बात करते हैं कि आई लेंस की, तो हम जो प्रतिबिंब देख रहे हैं फाइनल प्रतिबिंब वो किसके द्वारा देख रहे हैं, तो आई लेंस के द्वारा देख रहे हैं, इसलिए हम केवल आई लेंस की ही चर्चा करेंगे फॉर्मूला में। तो आई लेंस की चर्चा करेंगे तो देखिए, तो जब लेंस फॉर्मूला से चलेंगे तो वन बाय वी ई माइनस वन बाय
यू ई बराबर 1/FE। चिन्ह का भी यूज अगर करें तो चिन्ह का यूज क्या होगा, देखिए ये आई लेंस है, इसके इधर प्रतिबिंब बन रहा है सामने में, तो प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस, वस्तु की दूरी भी माइनस हो जाएगा, तो 1/-VE हो जाएगा माइनस 1/-UE, वस्तु की दूरी है आई लेंस के लिए, और फोकस दूरी उत्तल लेंस है तो ये प्लस में ही रहेगा, तो हो गया 1/VE माइनस में माइनस माइनस प्लस 1/UE बराबर 1/FE हो गया। अब उसी तरह दोनों तरफ गुना कर देते हैं तो मल्टी MULT मल्टीप्लाइंग बाय VE, वहाँ जो है केवल भी से गुना किया थे, क्यों, केवल एक ही उत्तल लेंस था तो यहाँ दो लेंस है तो यहाँ दर्शाना पड़ेगा किस लेंस की बात करते हैं, तो VE का मतलब आई लेंस की बात करते हैं, तो VE से दोनों तरफ गुना कर देंगे तो क्या बनेगा, माइनस VE/VE प्लस VE/UE बराबर VE/FE, तो ये तो कट गया, तो माइनस एक है उधर कर देंगे प्लस एक हो जाएगा, तो VE/UE इक्वल टू 1+VE/FE। अब VE/UE यहाँ देखिए VE/UE को हम लोग ME बोलते हैं, यानी आई लेंस की मैग्नीफाइंग पावर, तो ये हो गया ME इक्वल टू 1+VE/FE, तो वहाँ जो था केवल एक ही उत्तल लेंस था, अच्छा VE जैसे V बराबर D लिखे थे तो V बराबर D बराबर ये 25 सेंटीमीटर होगा लिस्ट डिस्टेंस के लिए, तो ME बराबर हो जाएगा 1+VE/FE। हाँ तो एक चीज़ बोल रहे थे कि वहाँ केवल एक उत्तल लेंस लगा हुआ था तो इसलिए यही मेन फॉर्मूला बन गया था, मुख्य फॉर्मूला, लेकिन यहाँ कुछ और निकलेगा, क्यों, दो लेंस को एक ही अक्ष पर रखे, देखिए दो लेंस को एक ही अक्ष पर रखे हैं, तो अगर पहले वाले वीडियो सब देखे हैं तो उसमें से आपको कहीं मिलेगा समतुल्य लेंस, तो समतुल्य लेंस में था कि जब लेंस को एक ही अक्ष पर रखा जाए, तो एक ही अक्ष पर रखा जाए तो उसका जो मैग्नीफाइंग यानी कि किसी एक लेंस की आवर्धन जो होता है बाकी सभी लेंस के आवर्धन के गुणनफल के बराबर होता है, तो नेट मैग्नीफिकेशन जो निकालेंगे यानी कुल आवर्धन जो निकालेंगे वो कुल आवर्धन दोनों के आवर्धन के गुणनफल के बराबर होगा, तो इसलिए यहाँ दो लेंस है तो यहाँ हमको कुल आवर्धन निकालना पड़ेगा, केवल इससे काम नहीं चलेगा, तो नेट मैग्नीफिकेशन जो होगा, नेट मैग्नीफिकेशन, तो नेट मैग्नीफिकेशन जो हो जाएगा आपको M बराबर, तो M बराबर हो जाएगा MO गुना ME, यानी जब दो या दो से अधिक लेंस को एक ही अक्ष पर रखेंगे तो उसका जो किसी एक लेंस का जो आवर्धन होगा सभी लेंस के आवर्धन के गुणनफल के बराबर होता है, जिसको समतुल्य लेंस भी कहते हैं, तो नेट मैग्नीफिकेशन यहाँ निकालेंगे तो M बराबर MO/ME होगा। अभी दोनों का मान रख दीजिए, तो दोनों का मान रखेंगे तो क्या निकलेगा, तो देखिए यानी M बराबर जो हो जाएगा MO का मान तो हो जाएगा VO/UO गुना, अब ME का मान निकाले हैं, देखिए ME का मान निकाले हैं 1+VE/1+ यहाँ भी की जगह डी लिए हैं तो डी हो जाएगा, तो ME का मान निकाले 1+D/FE, तो M बराबर हो गया MO का मान VO/UO गुना ME का मान हो जाएगा 1+D/FE, इसको अगर फाइनल लिखे तो यही हो गया आपका HENC है सन्यातः M बराबर मैग्नीफाइंग पावर जो होगा आवर्धन क्षमता वो हो गया आपको VO/UO इंटू
वन प्लस डी बाय एफ ई। यही हो गया आपका मैग्नीफाइंग पावर किसका, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, कब, जब न्यूनतम दूरी के लिए बनता हो प्रतिबिंब। अब बी नंबर देख लेते इन्फिनाइट डिस्टेंस के लिए, तो फोर इन्फिनाइट डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो इन्फिनाइट डिस्टेंस के लिए चलेंगे यानी कि प्रतिबिंब के अनंत दूरी के लिए, तो अनंत दूरी के लिए चलेंगे तो प्रक्रिया तो वही रहेगा यानी कि निकालने का जो तरीका है सब कुछ वही रहेगा। अगर ध्यान से आप लोग देखिएगा तो निश्चित रूप से आसान लगेगा, नहीं तो जटिल बुझाएगा ये कैसे कैसे हो जाता है, क्योंकि हल करने का तरीका सब में हम एक ही ले रहे हैं ताकि आपको आसानी हो। तो देख यहाँ भी अगर लेंस फॉर्मूला की बात करते तो बाय लेंस फॉर्मूला, तो बोले आई लेंस का ही बात होगा, तो आई लेंस की बात होगा तो वन बाय वी ई प्लस सॉरी वन बाय वी ई माइनस वन बाय यू ई इक्वल टू वन बाय एफ ई। तो चिन्ह का यूज करेंगे तो वन बाय माइनस वी ई और माइनस वन बाय माइनस यू ई और इक्वल टू वन बाय एफ ई। हाँ, वी ई जो है यानी प्रतिबिंब की जो दूरी है, अब यहाँ देखिए टॉपिक क्या है, इन्फिनाइट डिस्टेंस यानी अनंत दूरी के लिए है, तो अनंत दूरी पर जब प्रतिबिंब बनेगा तो इसके जगह हम इन्फिनाइट ले सकते हैं, तो हो जाएगा वन बाय माइनस इन्फिनाइट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन बाय यू ई इक्वल टू वन बाय एफ ई। तो ये तो हो गया जीरो, क्योंकि इन्फिनाइट से किसी भी नंबर में भाग देंगे तो वो जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस वन बाय यू ई इक्वल टू वन बाय एफ ई। तो वन बाय यू ई इक्वल टू वन बाय एफ ई, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बाय वी ई, तो वी ई से गुना करेंगे तो हो जाएगा वी ई बाय यू यू ई इक्वल टू वी ई बाय एफ ई। फिर वी ई की जगह ये वी ई बाय यू ई की जगह हो जाएगा एम ई, तो एम ई इक्वल टू हो गया वी ई बाय एफ ई। अब वी ई को हम डी मान सकते हैं, चूँकि वी ई इक्वल टू हो गया डी जो कि 25 सेंटीमीटर लेंगे, तो एम ई बराबर हो गया डी बाय एफ ई। देखिए वी की जगह डी ई डी लिख लिए, तो एम ई इक्वल टू हो गया डी बाय एफ ई। लेकिन बोले ये तो आपको फाइनल मैग्नीफिकेशन हुआ नहीं, चूँकि एक ही अक्ष पर दो लेंस रखा है, तो ये आई लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन पावर हुआ, हमको चाहिए टोटल, टोटल मैग्नीफिकेशन क्या होगा, तो फिर उसी तरह निकालिए नेट मैग्नीफिकेशन, तो नेट मैग्नीफिकेशन एम इक्वल टू हो जाएगा एम ओ गुना एम ई, तो एम इक्वल टू हो गया एम ओ का मान वी ओ बाय यू ओ गुना एम ई, एम ई का मान यहाँ निकाले डी बाय एफ ई। तो यही आपका फाइनल मैग्नीफिकेशन पावर हो गया इन्फिनाइट डिस्टेंस के लिए। तो ये आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए हुआ, जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में न्यूनतम दूरी के लिए चलेंगे, तो न्यूनतम दूरी के लिए चलेंगे तो आपको निकल गया एम बराबर, न्यूनतम दूरी के लिए एम बराबर हो गया वी ओ बाई यू ओ इंटू वन प्लस डी बाई एफ ई, और इन्फिनाइट डिस्टेंस के लिए आवर्धन क्षमता हो गया वी ओ बाई यू ओ गुना डी बाई एफ ई। अब इससे यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से संबंधित रिमेंबर पॉइंट्स देख लेते हैं, तो रिमेंबर पॉइंट्स क्या होगा, चलिए फटाफट देख लेते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में
दो उत्तल लेंस होता है जो कि फिगर में भी हम लोग समझे। उसके बाद दूसरा है जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस या वस्तु लेंस, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं, यानी कहा जाता है। तीसरा है जो लेंस नेत्र की ओर होता है उसे नेत्रिका लेंस, यानी इसको इंग्लिश में आई लेंस कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट लेंस का द्वारक आई लेंस से छोटा था, फिगर में भी देखे कि जो वस्तु की ओर था वो छोटा था और आई की लेंस था जो बड़ा था। तो वस्तु का जो यानी ऑब्जेक्ट लेंस का जो द्वारक है वो आई लेंस से छोटा होता है, अर्थात ये एपरेचर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस वो लेस देन हो जाएगा एपरेचर ऑफ आई लेंस। उसके बाद पांचवा है इसके द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक उल्टा और बड़ा होता है। देखिए उल्टा बना था, ये वस्तु ऊपर है तो ये नीचे बना है प्रतिबिंब आई लेंस के द्वारा, और काल्पनिक इसलिए कि ये काल्पनिक रे के कारण बन रहा है, रे के कटने से बना है, तो काल्पनिक बना, उल्टा बना और वस्तु से बड़ा बना। छठा है कि इसका उपयोग जंतु कोशिका, पादप कोशिका, उत्तक, इसी तरह और छोटा छोटा जो अंग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, झिल्ली हो गया, इस सब को देखने में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है, सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं होगा। सातवां है कि जब वस्तु को का प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर बनता हो। देखिए न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी पर जब प्रतिबिंब बनता है तो उसके लिए आवर्धन क्षमता जो निकला था, आवर्धन क्षमता निकला था वी ओ बाई यू ओ इंटू वन प्लस डी बाई एफ ई, ये किसके लिए हो गया, न्यूनतम दूरी के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। उसके बाद आठवां है कि जब वस्तु का प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बनता हो तब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, यानी जब न्यूनतम दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब तब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगा, तो L बराबर सूक्ष्मदर्शी की लंबाई हो जाएगा वी ओ प्लस यू ई। इसके बाद नवा है कि यदि प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तब आवर्धन क्षमता, तो जब अनंत पर बनता है तो M बराबर निकला है, क्या निकला था कि वी ओ बाई यू ओ इंटू में डी बाई एफ ई, ये अनंत दूरी के लिए निकला था। अब जब अनंत दूरी पर बनेगा तो आवर्धन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लंबाई क्या होगा, तो जब प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनता हो तब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, अनंत दूरी पर जब बनेगा तो सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होगा एल बराबर वी ओ बाई एफ ई बनेगा। तो ये आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से संबंधित जो टफ पॉइंट्स, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से संबंधित जो पॉइंट्स था, जो ज़रूरत का चीज़ है आपको, वो हम रिमेंबर पॉइंट्स में लिख दिए, यानी इसकी लंबाई दोनों स्थिति में अलग अलग होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, और बाकी बात आवर्धन क्षमता तो लिखिए दिए, बाकी बात फिगर से भी समझ लिए हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अबे यार।